नमस्कार, मेरा नाम घेनाराम, मैं शाह गोवर्धन लाल काबरा शिक्षक महाविद्यालय जोधपुर से अध्ययनरत द्वितीय वर्ष का बीएड कर रहा हूँ। मैं आपको राजस्थान की स्थिति और भौगोलिक विस्तार के बारे में बताना चाहता हूँ। राजस्थान की स्थिति विस्तार मुख्य भौगोलिक विभाग देखो बच्चों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,240 वर्ग किलोमीटर। आकृति, राजस्थान की आकृति है वो विषम समकोण चतुर्भुज, विषम समकोण चतुर्भुज के समान है, विषम समकोण चतुर्भुज के समान है। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा, राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा है, राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा से कर्क रेखा साढ़ा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, साढ़ा 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से साढ़ा 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। अब विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो, उत्तर से दक्षिण की लंबाई यानी 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 869 वर्ग किलोमीटर है। अब ये है इसकी आकृति है वो विषम समकोणीय चतुर्भुज के समान है और पढ़ता रहो यार बे जोर बोलो। हाँ, अब इसके अंदर स्थिति है वो 23.5 से उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री से 30 यानी 30
डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तार यानी 7 डिग्री 9 चांद तक है और राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर में स्थित है और कर्क रेखा राज्य के डूंगरपुर राज्य का अधिकांश भाग यानी कर्क रेखा जिले के दक्षिणी सीमा में होती है। बांसवाड़ा के लगभग मध्य से गुजरती है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के राज्य का सर्वाधिक नजदीक स्थित शहर है। जो राज डूंगरपुर है बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में आने वाले स्थित है। नमस्कार भैया अभी आगे बाकी का है।